हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप पेन ईएमआई का डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं, कैसे आप पेन ईएमआई में डिस्ट्रीब्यूटर में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, कैसे आप दूसरों का केवाईसी करके इनकम कमा सकते हैं। तो दोस्तों, इसी के बारे में आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जब भी हम और ऐसी वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पेन ईएमआई का डिस्ट्रीब्यूटर आप कैसे बन सकते हैं, इसमें आपको क्या कमीशन मिलता है, आपको कितना पैसा जो है देना होगा, और साथ में इसमें आपको इनकम कैसे होगा, और साथ में दोस्तों आपको इसमें क्या काम करना पड़ेगा, तो इसी सब के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं आपको एक पेन ईएमआई का डिस्ट्रीब्यूटर आईडी है मेरे पास, इसमें मैं लॉगिन करके दिखाता हूं। हालांकि ये अभी न्यू अकाउंट है, तो मैं आपको सब कुछ बता दूंगा कि कैसे आपको क्या करना है। तो चलिए हम पहले आईडी को ओपन करते हैं। तो दोस्तों, जो पेन ईएमआई का आईडी है ये आप कैसे ले सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। तो पहले हम लॉगिन कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा पेन ईएमआई का आईडी जो है, डिस्ट्रीब्यूटर आईडी, ये हमारा लॉगिन हो चुका है। जब आप लॉगिन करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो सबसे पहले हम इसके फीचर के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ रिपोर्ट का ऑप्शन आ जाता है, फिर यहाँ लोड मनी और गिव टॉप अप ओडी और ये ओडी रिक्वेस्ट। तो मैं आपको सब कुछ इसमें का बताऊंगा कि ये सब क्या है, पहले हम इसके फीचर के बारे में जान लेते हैं। और नीचे आपको डू केवाईसी का ऑप्शन है, ऐड रिटेलर का ऑप्शन है, रिटेलर लिस्ट का ऑप्शन है और एलएमएस का ऑप्शन है। तो ये सब ऑप्शन है। तो चलिए मैं आपको एक एक चीज़ बताता हूँ। तो जब आप रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कोई अकाउंट सेटलमेंट से कोई ऐसा रिपोर्ट होगा तो वो आपको यहाँ पे शो होगा। यहाँ पे लोड मनी मतलब आप अपने जो, जैसे आप पेन ईएमआई में रिटेलर आईडी में लोड मनी करते हैं, सेम वैसा ही यहाँ पे है। तो आप यहाँ से लोड मनी कर सकते हैं किसी दूसरे रिटेलर को देने के लिए। और उसके बाद यहाँ पे गिव टॉप अप ओडी है और यहाँ पे ओडी रिक्वेस्ट, मतलब कोई रिटेलर जो भी आपका रिटेलर है वो अगर आपसे ओडी रिक्वेस्ट करता है, यानी वो आपसे टॉप अप करवाना चाहता है, तो वो आपको यहाँ पे शो होगा। और जब आप उसका टॉप अप देंगे तो आप यहाँ से कर सकते हैं, वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। तो ये तो हो गया फीचर के बारे में। अब हम नीचे डू केवाईसी, जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जिसका भी केवाईसी करने का ऑप्शन आएगा, जो रिटेलर होते हैं, तो वो आप यहां से उनका केवाईसी कर सकते हैं। साथ में अगर आप न्यू रिटेलर बनाते हैं तो आपको ऐड रिटेलर पे क्लिक करके यहां पे आप रिटेलर बना सकते हैं। इसका वीडियो भी मैं बहुत जल्दी ला दूंगा कि रिटेलर कैसे बनाना है। और उसके बाद यहां पे रिटेलर लिस्ट, जो भी आपने रिटेलर बनाया होगा उनका यहां पे पूरा लिस्ट शो हो जाएगा। और साथ में LCM LMS में आपको क्या दिखेगा, जो सेल्फ रजिस्टर, मतलब जो खुद से अपना जो है रजिस्ट्रेशन करते हैं, उनका जो लिस्ट आता है वो आपको यहाँ पे सब कुछ शो हो जाएगा। जब आप धीरे धीरे चलाने लगेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ऐसे आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला है। और जब आप थ्री लाइन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों आपके सामने सब कुछ ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर आपको यहाँ पर देखना है परचेज स्टॉक, यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो 10 आईडी है दोस्तों, यही आईडी आपको ख़रीदना पड़ता है, जो कि एक आईडी का कॉस्ट 650 रुपये होता है। यानी जब आप 10 आईडी लेंगे तो ये आपको 6500 रुपये का मिलेगा। और दोस्तों, जब आप इसको सेल कर देंगे तो ये एक आईडी आपको 1000 रुपये में सेल करना होगा। तो ऐसे आप 10000 रुपये कमा सकते हैं। और अगर हम 10000 में से अपना जो 6500 रुपये माइनस करते हैं तो आप समझ सकते हैं कि हमको कितना रुपए मिलेगा, यानी 3500 रुपए हमको जो इनकम हो जाएगा। तो दोस्तों, यही फ़ायदा है कि आप 10 आईडी बेच देंगे तो आपको 3500 रुपए का फ़ायदा हो जाएगा। और साथ में दोस्तों, जब जो भी रिटेलर काम करेगा
जो भी आप रिटेलर बनाएंगे वो काम करेगा, तो उनका भी कमीशन आपको यहाँ पे शो हो जाएगा, यहाँ पे आपको कमीशन मिल जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको कमीशन लिस्ट यहाँ पे साइड में आप देख सकते हैं, यही इसका कमीशन लिस्ट है। और दोस्तों अगर आप इसको कैसे ले सकते हैं तो इसके बारे में मैं आपको बता दूं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपने आरएम से बात करना होगा। आरएम से आप कैसे बात करेंगे, अगर आप पेनीबाई के रिटेलर हैं तो वहाँ पे आपको सेल्स मैनेजर का नंबर मिल जाता है, वहाँ से आप बात कर सकते हैं या आप कंपनी से भी बात करते हैं। कंपनी का नंबर मैं आपको यहाँ पे दे दूँगा, तो यहाँ से भी आप बात कर सकते हैं। ये नहीं तो आप अपने अगर पेनीबाई के रिटेलर हैं आप तो उनसे वहाँ पे आपको सेल्स मैनेजर का नंबर दिया रहता है, आप उनसे बात कर सकते हैं। अगर आप पेनीबाई के रिटेलर नहीं हैं तो आपको क्या करना है कि अगर आपके आसपास में कोई पेनीबाई का जो आईडी चलाता है यानी रिटेलर या डिस्ट्रीब्यूटर है, तो आप उनसे सेल्स मैनेजर का नंबर लेकर जो है इसके बारे में बात कर सकते हैं कि हमें जो है आईडी लेना है, पेनीबाई का डिस्ट्रीब्यूटर बनना है। तो वो आपको पूरी जानकारी दे देंगे और वो आपको आईडी बना देंगे और आपसे 6500 रुपये ले लेंगे। तो दोस्तों ऐसे आप आईडी जो है बनवा सकते हैं। हालांकि दोस्तों इसका जो रजिस्ट्रेशन करने का, इसमें कोई ऐसा ऑप्शन नहीं आता है कि जहाँ से आप रजिस्ट्रेशन करके आप आईडी बना सके। तो आपको इसके लिए बात करना होगा अपने आरएम से। अगर दोस्तों आप बिहार से हैं, बिहार के किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हैं, तो आप हमें इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अगर आप पेनीबाई के डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, हम आपकी आईडी बना देंगे, डिस्ट्रीब्यूटर आईडी। अगर आप अदर स्टेट से हैं तो आप अपने आसपास के कोई भी पेनीबाई का यूजर हो तो आप उनसे सेल्स मैनेजर का नंबर लेकर डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। तो दोस्तों यही था वीडियो। और दोस्तों इसमें काम क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें आपको आईडी बेचना होता है और जो रिटेलर होते हैं उनका केवाईसी करना होता है, और जब भी उनको जो आप रिटेलर बनाते हैं उनको किसी प्रकार का हेल्प चाहिए तो आप उनको हेल्प करेंगे। तो यही इसमें काम होता है। और अगर आपको पेनीबाई का डिस्ट्रीब्यूटर बनना है या रिटेलर बनना है, अगर आप बिहार से हैं तो आप हमें इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।